चितकारा यूनिवर्सिटी कालू झंडा में महिला प्रोफेसर के द्वारा प्रथम वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज। छात्रा को न्यूट कर वीडियो बनाकर छात्रा के गुप्त अंगों पर बार बार हाथ लगाने की गंदी हरकतें करती थी। महिला प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस ने 354, 323, 506 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। बरोटीवाला के अटल कुंज कालू झंडा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जिला पुलिस के बद्दी पुलिस द्वारा महिला थाना बद्दी के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार चितकारा यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष की छात्रा ने यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर पर छात्रा को न्यूट कर उसका वीडियो बनाने के साथ साथ उसके गुप्त अंगों पर हाथ लगाती थी और उक्त प्रोफेसर ने उसके 3 बार इस तरह न्यूट हालत में वीडियो भी बनाकर शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने महिला प्रोफेसर पर आरोप लगाया है कि उसे अकेले कमरे में बुलाकर उसे न्यूट कर उसका वीडियो बनाने के साथ साथ उसके गुप्त अंगों पर हाथ लगाती थी और उक्त प्रोफेसर ने उसके 3 बार इस तरह न्यूट हालत में वीडियो भी बनाया। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत संबंधित चितकारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी दी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के बाद पुलिस में शिकायत दी। वहीं डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने महिला पुलिस थाना बद्दी में पीड़ित छात्रा के बयान पर महिला प्रोफेसर के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 354, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चितकारा यूनिवर्सिटी का कोई शिकायत आई है आपके पास, कोई मामला आया तो थोड़ा सा बताएंगे, फिर जानकारी देंगे कि इसमें क्या शिकायत आया और क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस महिला थाना बद्दी में दिनांक 28/9/2023 को एक पीड़ित बालिका ने शिकायत पत्र पेश किया है कि इसके साथ चितकारा यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका से द्वारा यौन शोषण किया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत के ऊपर अभियोग संख्या 33/23 जेल धारा 323, 354 AC 506 IPC में पंजीकृत किया गया है। पीड़ित बालिका का बयान उसके कहे अनुसार लिखा गया है। अभी पीड़ित बालिका का बयान माननीय न्यायालय में पंजीकृत कराया जाना है, दर्ज कराया जाना है। अभियोग की तफ्तीश नियंत्रण की जा रही है। सर, कोई वीडियो वायरल का मामला भी है कि बोलते हैं कोई आपत्तिजनक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है? अभी तफ्तीश की जा रही है, 30 मिनट तक कुछ नहीं आया।